गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी। फिल इन द ब्लैंक्स मीन खाली जगहों को भरो। आप देखिए, यहाँ मैंने कुछ लेटर लिख रखे हैं और फिर मैंने ये डैश भी दिया है। डैश मतलब खाली जगह, और लेटर लिखे हैं उसके बाद का कौन सा लेटर आता है आपको ये बताना है, तो इसी को कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। ये देखो आप, ए, ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? ए के बाद आएगा बी। ये मैंने दूसरा कलर लिया है ताकि आप इंडिकेट भी हो जाता है इससे फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरे कलर से मैं अगर आपको भर के दिखाऊंगी तो फिल इन द ब्लैंक्स का पता चलेगा। ओके, सी, सी के बाद कौन सा लेटर? डी। ई, उसके बाद एफ। जी, जी के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों, जल्दी बताओ? एच। एच के बाद आई। आई के बाद जे। जे के बाद कौन सा लेटर है? के। के बाद ओके, एल। मुझे पता है आप पहले बोल रहे होगे, जल्दी जल्दी से। एम। एम के बाद एन। ओ के बाद पी। पी के बाद क्यू। क्यू के बाद आर। आर के बाद एस। एस के बाद टी। उसके बाद कौन सा लेटर है? यू। यू के बाद क्या होता है? वी। वी के बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एक्स। वाई। वाई के बाद जेड। देखिए, मैंने फिल कर दिया ना, वो भी दूसरे कलर से, ताकि आप लोगों को एक इंडिकेट मिले कि देखो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, आप लोग इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स करना। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली जगहों को भरो। ओके, थैंक यू।